एनीथिंग यू वांट टू से? नहीं कुछ नहीं, नथिंग, अभी इंतजार कर रहा हूं। ओह चामुंडी देवी डाल देंगे द गॉडेस हु बर्न्स एवरीथिंग राइट बट इट्स अ पीट ऑफ सती या देयर इज अ 51 पीट रीइनकार्नेशन ऑफ सती हमें कुछ नहीं पता एनी स्पेशलिटी हम तो बताएंगे दैट्स इट अ टेंपल अप इन द हिल व्हिच पार्ट इज फॉलिंग इन दिस एरिया डू यू नो टेक्निकली आई एम नॉट फ्रॉम हियर सो ओके आई कांट आंसर ओके अनमोल कैन नहीं नो या अनमोल यू डोंट नो यू नो एनीथिंग एनी स्पेशलिटी फॉर दिस चामुंडी हिल सो आई एम नॉट दैट आई एम अवेयर ओके एनीवन अब मैग्नेट नो वेरी व्हाट मैग्नेट नो प्रोफेशनल बना रहे YouTube पे डाल देते व्हाट नो पीछे बैकग्राउंड ही इज गेस्ट और I'm a disciple. Yeah. Sorry? I'm a follower, a disciple. Okay, okay, okay. Thank you very much. We need follower also. आज हम लोग जा रहे हैं चामुंडी हिल. चामुंडी हिल कर्नाटका स्टेट में ही आता है. तो इधर एक पहाड़ चढ़ना होता है जहाँ पे आप गाड़ी से भी जा सकते हो. ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ट्रेक है जो अभी हम लोग कवर करने वाले हैं. इधर बोला जाता है कि माँ सती का 51 पीठ जो है उनमें से एक पीठ है जिनमें माँ का कान गिरा था. अभी हम लोग चामुंडी हिल के मेन गेट पर हैं जहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा जहाँ पे पुरोहित पूजा कर रहा है. आप जैसा देख सकते हो कितना सारा गाड़ी का लाइन लगा हुआ है क्योंकि ये जो मेन गेट है इधर से और भी चढ़ाई है. इधर जो मेन गेट है उधर वो अलाउ नहीं है बिफोर 4:30. तो आप लोग जब भी आओ 4:30 के बाद ही आओ इस हिल पे. ऊपर जाने के टाइम एक व्यू पॉइंट मिलता है जहाँ से पूरा सिटी को ऐसा ही दिखता है. हर एक पहाड़ का यही सेम नज़रिया है. कितना अच्छा लग रहा है. अभी सुबह का 4:30 बज रहा है तो देखो सारा सिटी जल रहा है. अभी सनराइज होने वाला है तो उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं. मंदिर का दरवाज़ा अभी खुला नहीं है. हम लोग अभी मंदिर के पास ही पहुंच गए हैं तो अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे चामुंडी माता का जो टेंपल है उसके अंदर. तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं चामुंडी टेंपल के बाहर. इसके अंदर हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में. तो आप जैसा देख सकते हो कि साउथ में जैसा टेंपल होता है ठीक ऐसा ही है, फुल डेकोरेटेड. ये बनाने में कितना टाइम लगा होगा आप खुद सोच लो. कितना मेहनत कितना टाइम दिया होगा ये मंदिर बनाने में. तो दिस इज चामुंडी माता का टेंपल. चामुंडी माता के टेंपल के बाहर एक रथ लगा हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले दशहरा गया है जहाँ पे ये रथ यूज किया गया था. आप जैसे देख सकते हो क्योंकि हम लोग अभी दशहरे के बाद ही आए इसलिए अभी रथ इधर बाहर ही पड़ा हुआ है. ये आपका व्हील एंड पूरा रथ इधर लगा हुआ है जहाँ पे दो रस्सी भी लगा हुआ है जो खींचते हुए आदमी लोग आगे लेकर जाता था, जिसके अंदर दो घोड़ा भी है. एंड इस रथ के एकदम पूरा बॉडी पे हर एक स्ट्रक्चर किया गया है. एक एक स्ट्रक्चर एक अलग अलग मूर्ति है जहाँ पे कोई घोड़े पे सवार है, जहाँ पे कोई तलवार लेके खड़ा है, जहाँ पे कोई आशीर्वाद कर रहा है, जहाँ पे कोई घोड़ा या सिंह का मूर्ति किया गया है. तो ये पूरा पूरा के पूरा स्ट्रक्चर काठ का बना हुआ है. फुल स्ट्रक्चर काठ का बना हुआ है एकदम चामुंडी माता के टेंपल के बाहर रखा हुआ है ये चीज. देख पोज दे रहा है उसको पता, उसको आदत है. उसका इनका रोज का है, मुझे तो खाना खाना है. हाँ भाई मेरे को क्या, ये लोग कुछ भी करे. अरे भाई चबा के खा भाई. अभी हम लोग एकदम चामुंडेश्वरी मेन टेंपल के एकदम नीचे ही है. अब जैसा देख सकते हो दिस इज चामुंडेश्वरी टेंपल. अभी हम लोग जा रहे हैं चामुंडी माता के टेंपल के अंदर जहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा क्यू है.
इधर से उधर, उधर से इधर, पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो पूरा एक ही राउंड आपको तीन या चार में स्प्लिट किया गया है, जहाँ वो घूम के आपको जाना पड़ेगा। तो इधर से आप एज्यूम कर सकते हो कि इधर कितना सारा भीड़ होता है। अभी सुबह का 5:30 बज रहा है, तो अभी हम लोग एकदम चामुंडेश्वरी माता के टेंपल के बाहर है। जैसे आप देख सकते हो कि ऊपर जाके भी आप प्रे कर सकते हो चामुंडेश्वरी माता के टेंपल में। ये पूरा मंदिर येलो कलर में सजा हुआ है। मैं आपको अंदर का वीडियो नहीं दिखा सका क्योंकि अंदर वीडियो करना मना है, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो दिस इज़ द एग्जिट गेट, यहाँ से ही हम लोगों को वापस आना पड़ता है। तो इसी चामुंडेश्वरी टेम्पल के बाहर एक जगह जैसा है कि वो स्ट्रक्चर पूरा रुद्राक्ष से बना हुआ है। ए फुल बिल्डिंग, फुल स्ट्रक्चर रुद्राक्ष से बना हुआ है। अब जैसे देख सकते हो कितना सुंदर ये टेम्पल है, एंड इस टेम्पल को बनाने में कितना टाइम लगा होगा आप सोच लो। तो अभी हम लोगों को बाहर जाना है, बाहर जाने वाला रास्ता यही है। बट एकदम जीसी गेट से हम लोग एंट्री किए थे, उसी गेट से हम लोगों को बाहर जाना होगा। तो एंट्री एंड एग्जिट गेट इज सेम। तो अभी इधर सब लोग खड़ा है प्रसाद लेने के लिए, एक ही जो है वो प्रसाद लेने के लिए है, एंड इसी गेट से हम लोग अंदर आए थे। आप जैसा ये दरवाज़ा देख सकते हो कितना पुराना है, इस दरवाज़ा आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना पुराना हो सकता है ये दरवाज़ा। तो आप जैसे देख सकते हो कि इतना बड़ा क्यू ऑलरेडी लगा हुआ है। अभी सुबह का 8 बज रहा है। बाहर एक गणेश जी का मूर्ति भी रखा हुआ है। इसी एग्जिट गेट में एक दरवाज़ा है जहाँ पे रूपों का काम किया गया है इस टेम्पल के दरवाजे में। सो दिस इज चामुंडेश्वरी टेम्पल। तो अभी हम लोग एकदम आ गए हैं चामुंडेश्वरी टेम्पल के बाहर। सो जो लोग पूजा नहीं दे पाता है, या अंदर नहीं जा पाता, या क्यू में खड़ा होने का टाइम नहीं है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो बाहर एक पुरोहित है, उधर भी वो लोग पूजा कर पाता है उस पुरोहित को देखे। पुरोहित इधर नारियल फोड़ के पूजा करता है, सबके माथे पे तिलक लगा भी देता है। तो अभी हम लोग आ गए एकदम एग्जिट पे, एकदम चामुंडेश्वरी माता के टेम्पल के बाहर, जहाँ पे एक मेला लगा हुआ है। इस मंदिर के बाहर पूरा मेला लगा हुआ है। तो दिस इज द वे। अभी हम लोगों को इधर से जाना पड़ेगा, हम लोगों का गाड़ी जहाँ पे है पार्किंग किया हुआ है उधर। तब जैसे देख सकते हो कि लेफ्ट एंड राइट साइड इधर पूरा ठेला लगा हुआ है, जैसे आप खुद का चाहिदा कुछ खरीद भी सकते हो। सो आज हम लोग आए थे चामुंडेश्वरी माता का टेम्पल। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग लैप ऑफ नेचर। फिर से आएंगे नया कोई वीडियो लेके। थैंक यू।